मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज हमारे सामने जो उम्मीदवार आ रही हैं वो एक औरत है। जिस तरह से हम लोग ने पार्लियामेंट इलेक्शन में शोभाताई बच्चाओं को हमने जब एक नारा दिया कि जो भी बीजेपी के सामने हारता है हमको उसको हराना है, तमाम मालेगांव के शहरियान ने, उसमें भाई भतीजे चचा बाबा के अलावा खासकर औरतों ने एक फैसला लिया कि हमको शोभाताई बच्चाओं को लाना है, क्योंकि हमें बीजेपी को हराना था। बीजेपी को हराने के लिए औरतों ने खुद से घर से निकले, अपनी मर्जी से निकलकर कई कई घंटे लाइन लगाकर उन्होंने वोट दिया, और बाकायदा पूरे मालेगांव में सबसे ज्यादा वोट मिली और हमारी शोभाताई बच्चाओं से उनके आई। इसी तरह से हमको पार्लियामेंट इलेक्शन में हमको शान बाई को लाना है, क्योंकि अब हमारी जो नुमाइंदगी करने वाली है वो दमक होना चाहिए, फिरका परस्तों से हाथ मिलाने वाली नहीं। आज हमारे पास में जो मुफ्ती साहब है वो आज हमारे यहाँ पर बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, हमारे पालक मंत्री के सरों पर हाथ फिराते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनका खून साफ करते हैं, जूते की नोक पर जूता संभालते हुए खड़े दिखाई आपको देखते हैं ना। इसी तरह से हमको देखे, हम लोग 5 साल पहले जब कुर्सी का सौदा हो रहा था उस वक्त तो हमारे यहाँ पर शेख रशीद खानवादे की कुर्सी के लिए उन्होंने हमारे यहाँ का अच्छा पानी बेच डाले, कुर्सी के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या बेच डाले कि नदी के उस पार आज सजावट आपको दिखाई देगी, नदी के इस पार आज 80% 70% हम टैक्स अदा करते हैं लेकिन तमाम बुनियादी जरूरतों से हम खाली हैं। आज बुनियादी जरूरत आपको उस तरफ नजर आएगी। इसलिए हमको अभी शान हिंदो साहिबा ने तो बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, लेकिन हमें आपको बताता चलूं कि जब हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में मुगलों का दौर था, मुगलों के बाद अंग्रेजों का आया, अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेजों का दौर था उस वक्त तो जो आज पूरे हिंदुस्तान में इक्तदार में बैठे हुए हैं, इन्होंने इक्तदार वालों ने अंग्रेजों को खत लिखा कि आप लोग हमें हाथ जोड़कर पैर पड़ते हैं आपका कि हमको बाहर निकाल दो, जब हम बाहर निकलेंगे तो गांधी जी की ये जो आंदोलन है इसको मलिया मीट कर देंगे, और वैसे ही किया कि उन्होंने जब बाहर आए तो हमारी आंदोलन को उन्होंने मलिया मीट करने की कोशिश की, लेकिन जब हम एक लहर निकल चलती है तो किसी की भी नहीं चलती, उनकी भी नहीं चली, बाकायदा हमको आज़ादी मिली। लेकिन आज हमारा बदनसीबी है कि जो लोग हाथ पांव जोड़ते थे अंग्रेजों से वो आज इक्तदार पे बैठे हुए हैं, पूरे देश में आज वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी जो माजी आमदार है और आज के आमदार है दोनों ने हमारे यहाँ के बीजेपी के चट्टी पट्टी पड़े हुए हैं, कोई सीधे रास्ते से है कोई अंदर के रास्ते से है, लेकिन है दोनों ही बीजेपी के चाहने वाले हैं, बीजेपी की सरपरस्ती में बैठे हुए हैं। इसलिए हमें बीजेपी को अगर हराना है, बीजेपी को दामेदर में हराना है तो शान हिंदो साहिबा की लहर चल निकली है। आज हमारा 4th दिन है हमारी इंसाफ यात्रा का, और हम जिस एरिया में जा रहे हैं हमको बदलाव नजर आ रहा है, और ये बदलाव पूरे शहर में इंशाल्लाह जब हमारी यात्रा पूरे शहर में घूम चुकेगी तो आपको बदलाव नजर आएगा, समाजवादी का परचम आपको सबसे ऊंचा नजर आएगा, क्योंकि ये बीजेपी के चट्टे वट्टों को हराने वाली है। और औरत की ओट, इसी ये नारा देने के लिए मैं आई हूँ कि औरत की ओट औरत को, औरत की ओट औरत को, भाई भतीजे चचा बाबा की ओट तो मिलेगी, क्योंकि वो लोग व्हाट्सएप पे टीवी पे देखते हैं कि बीजेपी वाले किस तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों का खास नाम लेकर पूरे देश में हम, आप लोग को मालूम है 15% है, 15% का हवाला देकर 85% वाले लोग राज करते हैं हमारा नाम लेकर। इसलिए हमको बीजेपी को हराना है और हमको शान हिंदो को लाना है। चलो एक बार मेरे साथ नारा देंगे कि शान हिंदो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुस्तकीम डिग्निटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शान हिंदो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंसाफ यात्रा इंशाल्लाह हमारा ये हमारे शहर में बदलाव जरूर लाएगा।
लाएगा कि नहीं? इंशाल्लाह लाएगा कि नहीं? ना, ना, हमारे यहाँ बदलाव का तब्दीली आपको क्या दिखाई दे रही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह तब्दीली दिखाई दे रही है और तब्दीली होगी और शहर तब्दीली चाहता है। शहर आज तब्दीली चाहता है। जहाँ तक मेरी आवाज जाती है उन माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगी कि लाडली बहना का एक मामूली मिसाल है कि लाडली बहना के लिए हम लोगों ने फॉर्म भरा और आज उनका पैसा अकाउंट में आया लेकिन केवाईसी ना होने की वजह से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए भी उन्होंने एक मामूली नुमाइंदगी नहीं की जो आमदार की नुमाइंदगी होती है। जिस तरह से दादा भूसे ने बैठकर बता दिया कि तमाम मैनेजर को बुलाया और बोला स्टॉल लगाओ और केवाईसी करो, हमारे यहाँ से ऐसा कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। हमारी माँ बहने नदी के उस पार रात भर लाइन लगा कर बैठती थी ताकि उनका केवाईसी हो जाए। एक मामूली मामूली चीजों के लिए उनको जगाना पड़ता है कि उठो ये आमदार का काम है, उठो ये हमारा पैसा था। आज ये नुमाइश बताकर हम बता रहे हैं कि देखो हमारे आजी माजी आमदार ने क्या क्या चीजें हमारी बेच डाली, क्या क्या चीज नदी के उस पार कर दी और आज हम लाने से कासिर है। अगर दमदार नुमाइंदगी रहेगी तो इंशाअल्लाह हम इन चीजों को हमारे यहाँ लेकर आएंगे और हम हमारी चीज नगर हम दबदबे से लेकर आएंगे। हमारे यहाँ पर नहीं दबदबे से आई तो छीन कर लाएंगे। उसके लिए हमको आमदार की जरूरत होगी। शान हिंदू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शान हिंदू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुस्तकीम डिग्निटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह आने वाला दौर शान हिंदू का होगा, मुस्तकीम डिग्निटी का होगा और बदलाव की सूरत नजर आ रही है। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, अहले ईमान हो तो शयातीन से डरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो इन शयातीन से डरते ही क्यों हो। मैं आज आप लोगों के सामने हर एक हमारे समाजवादी पार्टी के तरफ से जन जन को जगाने के लिए जन आंदोलन किया जा रहा है, हर एक को जगाया जा रहा है। आप पीछे देख रहे होंगे गाड़ी में हमारे एक तरफ तराजू है और एक तरफ खरीदने वाले हैं, एक तरफ बेचने वाले हैं। खरीदने वाला कौन है? नदी के उस पार का पालक मंत्री जो है वो हर चीज हमसे खरीद रहा है और बेचने वाले हमारे आज के मौजूदा आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और दूसरी तरफ जो है वो शेख रशीद खानवादे के आसिफ शेख और उनकी मैडम। इन लोगों ने इक्तदार के लिए अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या चीज बेचे हैं इस तराजू के जरिए आपको बताया जा रहा है। आप लोग उस तराजू में देखिए कि हमारी नदी के उस पार क्या क्या चीज बिक चुकी है। सबसे पहले तो जो साफ सुथरा पानी हमारा तलवाड़ा डैम से आता था वो पानी को बेचा गया कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए उन्होंने हमारे यहाँ का साफ सुथरा पानी जो बेचा गया। आज हमको जो पानी मिल रहा है गिरना डैम से वो डेड पानी है, मरा हुआ पानी है जिसमें तरह तरह की बीमारियां होती है। जो अच्छा पानी था हमारा तलवाड़ा डैम का जो कुदरती बहाव से चल कर आता था वो पानी को कुर्सी के लिए बेच दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे हमारे सरकारी दफातर जो जैसे के बैंक को है, रजिस्ट्रार ऑफिस है और इसी तरह से 100 बेड का जो दवाखाना था वो हमारे सर्वे नंबर 52 में मंजूर हुआ था लेकिन यहाँ के जो मौजूदा आज के आमदार है मुफ्ती इस्माइल उन्होंने हमारे दादा भूसे के सर पे से जिस तरह से कचरा साफ करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि लो ये 100 बेड का हॉस्पिटल तुम ही ले लो। शेख रशीद खानवादे के लोगों ने कुर्सी की लालच में पहले जिसको हम अपनी जबान में सटाना रोड हॉस्पिटल बोला करते थे आज उसको जो सावित्री बाई फुले क्रांति जो सावित्री बाई फुले के नाम से उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया है। ये सब कुर्सी की लालच में बेचते गए नदी के इस पार और नदी के उस पार। टैक्स हमारे यहाँ से 70% से ज्यादा हम लोग मालेगांव शहरियान के लोग टैक्स अदा करते हैं लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो आमदार होते हैं
ये लोग 25 सालों से सिर्फ हमारे मालेगांव की एक एक चीज बेचते जा रहे हैं, और हमारा जो पालक मंत्री है दादा भूसे, ये एक एक चीज हमारे यहाँ के लोगों के कुर्सी का लालच देकर खरीद रहा है। हमने तराजू के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है, लोगों को एक एक लोग को जगाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारे यहाँ के माजी आमदार और आज के आमदार कुर्सी की लालच में हमारी हर चीज बेचते जा रहे हैं। आज सजावट का काम, तजयनकारी का काम नदी के उस पार हो रहा है और टैक्स हम लोग अदा कर रहे हैं, हमारे टैक्सों का पैसे से उस तरफ सजावट हो रही है, और आज हम लोग का ये हाल है कि गटर सड़क भी हमारी लाइन से बन नहीं रही है। ये वही गटरें बनती है, वही सड़कें बनती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको टक्केवारी मिलती है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा 100 मीटर की रोड बना देंगे, खूब फोटो खिंचा देंगे, हमने यहाँ काम किया। और 100 मीटर के बाद क्या रास्ता नहीं होता है? 100 मीटर के आगे भी रास्ता होता है ना, लेकिन 100 मीटर की रोड बना के खूब फोटो चलाएंगे, खूब ज़्यादा उद्घाटन करेंगे। हमने यहाँ पर जमूर स्कूल के पास काम किया, तो जमूर स्कूल के पास अगर काम किए हैं, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो क्या 100 मीटर के बाद रोड नहीं होती है? लेकिन नदी के उस पार हम देखेंगे कि सिर्फ 100 मीटर नहीं, पूरा का पूरा इलाका रोड और गटर सड़क आउटलेट का पूरा एकदम अच्छा इंतजाम किया हुआ है। उनको मालूम है कि यहाँ के आमदार, यहाँ के लोग जो लीडर हैं, वो लोग कुर्सी के भूखे लोग हैं, वो कुर्सी की लालच बताता है और हमारी हर चीज़ें लेते जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ के हाल है, यही हाल, बहुत खराब हालात है। इसके लिए हमने बताया है तराजू के जरिए कि देखो लोगों क्या क्या चीज हमसे चली गई है, इस तराजू में देख लो। और दो बेचने वाले दो लोग, दो तरफ आपको दिखाई देंगे कि ये दो लोग मिलकर किस तरह से हमारी चीजों को बेचकर उस तरफ सजावटकारी का काम, यहाँ हम बुनियादी जरूरतों से भी महरूम है। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हर एक एक लोग को जगा रहे हैं कि आप जाग जाओ, हमारे शहर को इन्होंने 25 सालों में खंडर बना दिया है। आज हम इनको खंडर से अगर निकालना है, तो हमारी आज की जो निहाल अहमद साहब की दुख्तर है, वो शान इंदो साहिबा, ये इनके खून में, दूध में दोनों सियासत भरी है, और वो बराबर इस गांव को किस तरह से चलाना है उसके अंदर मौजूद है। इसके लिए हम शान इंदो साहिबा के लिए, और आज का युवा जो हमारा बच्चा है मुस्तकीम डिग्निटी, हम उनके हाथों में कयादत देंगे कि देखो हमारे शहर को 25 साल जो पीछे किए हैं ये मिली जोड़ लोग ने, आज का मौजूदा आमदार और एक्स आमदार शेख रशीद खानवादे के लोगों ने इस शहर को टकेवारी पर किस तरह से बेचा है और बेच बेच के कुर्सियां हासिल की है। जब तक उनका फायदा रहता है, वो दादा भूसे से उनकी दोस्ती रहती है, फायदा खत्म, दोस्ती खत्म हो जाती है, ये हाल है उनका। तो इसलिए हम लोग तमाम लोगों को यहाँ पर, जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, तमाम भाई भतीजों की ओर तो बराबर हमारी शान इंदो साहिबा को मिलेंगी, लेकिन औरत की ओर औरत को मिलेगी, क्योंकि शान इंदो साहिबा को एक औरत है, उनको बराबर मालूम है कि जब महंगाई होती है तो किस तरह से औरत उसकी दुख दर्द किस तरह से तकलीफ उठाती है, जिस तरह से मालेगांव के बुनकरों को लूटा गया, खसोटा गया, उनके साथ सियासत की गई, साथ में रहते हुए भी पीछे से किस तरह खंजर घोंपा गया ये बुनकरों के लिए, और बुनकर के साथ साथ मजदूर भी परेशान होते हैं। शहर का जब तक चक्का चलता है, पावर लूम का चक्का चलता है, मालेगांव की धड़कन चलते रहती है, और उस धड़कन से जुड़ी सबसे ज्यादा औरतें होती है, क्योंकि औरत को घर चलाना होता है। इसलिए हम लोग औरतों को भी जगाने का काम कर रहे हैं। शान इंदो साहिबा ने एक बात नोट की कि अगर पानी लेट आता है तो औरत घर से निकलने के लिए पूरा दिन दिन इंतजार करती है, उसके लिए शान इंदो साहिबा ने कारपोरेशन में जाकर कमिश्नर से लड़ाई की कि पानी साफ सुथरा दो और वक्त पे दो, अगर तुम लेट करते हो तो आधा घंटा एक घंटा बहुत हुआ पावर सप्लाई की वजह से, लेकिन अगर तुम लोग इस तरह से करेंगे तो हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा। और इस तरह से जब शिवाजी पुतले के पास में हमारा धरना देने की बात थी, तो यही दो लोग आगे आए थे, शान इंदौर मुस्तकीम, और उन्होंने
फिरका परस्तों से लड़ के वहाँ धरना दिया और अपनी बात मनवा के रही। और हमारे यहाँ पर जो सुहेल हॉस्पिटल का हमला था दोबारा वापस उन्होंने भेजा कर रहे। यही बात मैं आप लोगों के पास में बताने के लिए आई हूँ कि इस तराजू को देखो और जागो कि किस तरह से हमारे यहाँ नाइंसाफी हो रही है। इन नाइंसाफी से हमको इंसाफ दिलाने के लिए शान इंदो साहिबा को हमको चुन कर लाना है। लाएंगे ना इंशाल्लाह। तमाम खड़े हुए मेरे भाई भतीजे चाचा लोग मेरी आवाज में आवाज मिलाई है कि इंशाल्लाह हमको शान इंदो साहिबा को लाना है। शान इंदो आगे बढ़ाओ, हम मुस्तकीम डिग्निटी आगे बढ़ाओ, शान इंदो आगे बढ़ाओ। शुक्रिया। देखिए यहाँ पर आज जो हमारी इंसाफ यात्रा रैली जो निकलने वाली है, इसमें हम लोग और आप लोग जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, तमाम माँ बहनें जो सुन रही होंगी, यहाँ भाई भतीजे तो मौजूद है साथ में, माँ बहनों को मैं खास तौर से मैं आवाज देती हूँ कि आप लोगों को मालूम हो कि औरत की ओर औरत हो, यह नारा देने के लिए हम लोग इन इन रैली में शामिल हुए हैं। भाई भतीजों की ओर, चाचा बाबा की ओर तो निहाली वर्कर जो है, निहाली सोच के लोग हैं, वो बराबर शान हिंदू साहिबा को ओढ़ देंगे। लेकिन औरत की ओर औरत को मिले, पहले हमने पार्लियामेंट में जिस तरह से शोभा ताई बच्चाओं को भेजे थे, इस तरह से अब हमको असम्बली में शान भाई को भेजना है। इसके लिए हम लोग आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने अपने जमीर की आवाज पर किसी ने आपको बुलाने नहीं गया, कोई आप तक पहुंचा नहीं, हर घर की औरत खुद से निकली और खुद से पोलिंग बूथ तक जाकर बराबर हमारी ताई को उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा। इसी तरह से आपको असम्बली इलेक्शन में शान हिंदू साहिबा को असम्बली में भेजना है। औरत का दर्द तो औरत अच्छी तरह जानती है, इसलिए हमारा नारा होगा कि औरत की ओट औरत को, औरत की ओट औरत को मिले। इसके लिए और मालेगांव शहर को बचाने के लिए जिस तरह से 25 सालों में इन्होंने मिले जोड़ करके आज बताते हैं ये गटर नहीं बनी, ये सड़क नहीं बनी। जब ये लोग इक्तेदार में थे, मेयर थे, एमएलए थे, तब इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आज बताते हैं कि मुफ्ती साहब ने नहीं किया। मुफ्ती साहब बताते हैं कि आमदार आसिफ शेख रशीद साहब के घर के लोगों ने काम नहीं किया। तो आज एक दूसरे पर ये लोग निशाना लगा रहे हैं, जबकि दोनों के पास इक्तेदार था। इन्होंने जब इक्तेदार था तो काम नहीं किया, वही काम किया जिसमें इनको बड़े से बड़ा टक्केवारी मिलना था। उसकी एक मिसाल ये थी कि 11,000 कॉलोनी में अभी आज नई बस्ती बसी हुई है। इस बस्ती में बुनियादी जरूरत को छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 6 करोड़ का गार्डन का इफ्तिताह किया कि उसमें बड़ा टक्केवारी मिलना था। हम लोग ने बार बार उनको बताया कि मुफ्ती साहब वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बुनियादी जरूरत की, बुनियादी चीजों की जरूरत है। उन्होंने बुनियादी चीजों की जरूरत को न देखते हुए वहाँ पर एक गार्डन का वो संगे बुनियाद किया। तो आज 15 जगह काम है, चालू है, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्हीं रोडों का काम चालू है जो एक बार रोड बनी थी, दोबारा वहाँ बनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह टक्केवारी मिलने की उनको उम्मीद है। तो ये टक्केवारी का खेल पिछले 25 सालों से चालू है। आज हमारी हर चीजें, हर ऑफिसेस नदी के उस पार चली गई। आज हमको समाजवादी के बैनर तले उनको लड़कर नदी के इस पार लाना है। आज एक स्कूल, एक मदरसा उन्होंने कायम नहीं किया। आज एक स्कूल नहीं बता सकते, कोई बालवाड़ी नहीं है, कोई आंगनवाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो काम शान हिंदू साहिबा करती है, जिसके लिए आवाज उठाने लगते हैं, जो हमारे युवा नेता है, मुस्तकीम डिग्निटी जैसे ही किसी चीज के लिए तहरीक चलाना शुरू करते हैं, ये लोग फौरन उसी के ऊपर बयानबाजी शुरू करते हैं, यूट्यूब पर और अखबार में बयान देना शुरू करते हैं। यानी इनको तहरीक चलाने की भी जरा भी इनके अंदर खुद से कोई गट्स नहीं है, कोई उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। यानी निहाली सोच की वो लोग सिर्फ पीछा करते हैं। तो इसलिए जो लोग पीछे, उनको पीछे रखना है,
और हमारी शान हिंदू साहिबा को हमको असेंबली में भेजना है। इंशाल्लाह भेजेंगे ना तमाम लोगों, मेरे भाई भतीजे जितने यहाँ चचा बाबा हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि शान हिंदू साहिबा को हमें असेंबली इलेक्शन में भेजना है। इंशाल्लाह हमारी और तुम्हारी दुआएं रहेंगी तो जरूर शान हिंदू साहिबा असेंबली में पहुंचेंगी।